महंगाई की मार झेल रही देश की जनता पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें भी बोझ झेल रही हैं। देश में तेल की कीमतें आज सबसे ज्यादा हैं। आने वाले समय में भी इसके कम होने के आसार भी कम दिख रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 4 हफ्तों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रविवार को पेट्रोल की कीमत 76.24 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। वहीं डीजल की कीमत 67.57 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह दिल्ली में रविवार को अब तक सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। वहीं पूरे देश की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से उछाल मार रहे हैं। देश में पहली बार हुआ है मनमोहन सरकार के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा जो कीमत दर्ज कराई गई है। यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, यहाँ पर कई लोग भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या मानती है सरकार को कम करना चाहिए आम जनता की सहूलियत को देखकर? ये क्यों नहीं कम करना चाहिए, बहुत तेजी से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। ठीक है, तो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जिस हिसाब से काम कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार में, राज्य में, क्या आप खुश हैं उससे? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत सस्ता करना चाहिए, बहुत महंगाई बढ़ रही है इस योगी सरकार में, इसीलिए सरकार सही काम कर रही है केंद्र और राज्य में? नहीं, सही काम नहीं हो रहा है, और सस्ता होना चाहिए पेट्रोल, और उद्योगों में बहुत सस्ता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा है। जहाँ स्थानीय टैक्स मिलाकर 84.07 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल की कीमतों ने दिल्ली में महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 14 सितंबर 2013 को यहां पेट्रोल की कीमत 76.06 रुपए थी, जो अब तक में सबसे अधिक थी। वहीं लखनऊ में भी जनता पेट्रोल की कीमतों से परेशान है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत अभी 77.36 रुपए है, जो अब तक का सबसे ज्यादा दाम है। कर्नाटक चुनाव के बाद में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं और महंगे हो गए हैं, और शायद आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी महंगाई प्रतिशत में कभी भी पेट्रोल डीजल के ऊपर नहीं आई। कारण बहुत साफ है, चुनाव में जिन धन पशुओं ने, जिनके पेट्रोल और डीजल के धंधे हैं, चाहे वो अंबानी हों चाहे वो अदानी हों, ये चंद दिन में 5 गुनी कीमत जो इन्होंने चुनाव में चंदे में दी होगी बीजेपी को, वो इस महंगे पेट्रोल को बेचने से, महंगे डीजल को बेचने से कमा लेंगे। तेल कंपनियों की तरफ से जारी किए गए प्राइस नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में रविवार को पेट्रोल के दाम में 33 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ, जो कि पिछले साल जून में डेली प्राइस रिवीजन लागू होने के बाद सबसे अधिक है। डीजल की कीमत में 26 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें हर राज्य में सेल्स टैक्स और वैट के आधार पर अलग अलग होती हैं। दिल्ली में अन्य मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल्स की तुलना में तेल की कीमतें सबसे कम हैं। कर्नाटक चुनाव को देखते हुए तेल कंपनियों ने 19 दिनों तक प्राइस रिवीजन नहीं किया था। 14 मई से दोबारा प्राइस रिवीजन शुरू होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 7 दिनों तक बढ़ी हैं। 7 दिनों में पेट्रोल के दाम कुल 1.61 रुपए और डीजल के दाम कुल 1.64 रुपए बढ़े हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में मिल रहा है। स्थानीय टैक्स मिलाकर यहां पेट्रोल की कीमत 84.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई के अलावा भोपाल में 81.83 रुपए प्रति लीटर, पटना में 81.73 रुपए प्रति लीटर, हैदराबाद में 80.76 रुपए प्रति लीटर और श्रीनगर में 80.35 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से ज्यादा है। एक जो आम इंसान पेट्रोल डीजल और खान पीन से संतुष्ट रहता है, उसमें महंगाई को लगातार बढ़ते देखकर आम इंसान भी परेशान है।
कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।